नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। प्रसपा ने अपनी सभी इकाइयां भंग कर दी हैं। प्रसपा ने प्रवक्ताओं की कमेटी भी भंग की। शिवपाल यादव के आदेश पर भंग हुई है सभी कमेटी। से बड़ी खबर इस वक्त, प्रसपा ने अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया, प्रवक्ताओं की कमेटी भी भंग की गई। शिवपाल यादव के आदेश पर भंग हुई सभी कमेटी। प्रसपा ने अपनी सभी इकाई भंग की है, प्रवक्ताओं की कमेटी भी भंग की गई। शिवपाल यादव के आदेश पर भंग हुई सभी कमेटियां। प्रसपा ने अपनी सभी इकाई भंग की। प्रसपा की सभी इकाइयां भंग की गई हैं। शिवपाल यादव के आदेशों पर सभी इकाइयों को भंग किया गया। प्रवक्ताओं की कमेटी भी भंग की गई है। मनीष मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी। मनीष, शिवपाल यादव ने सभी कमेटियों को अपनी भंग कर दिया, सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इसके अलावा क्या कुछ पूरी जानकारी है और इसका फिलहाल इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए पूजा, जिस तरीके से तलखियां बढ़ती जा रही थी शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी में, उसके चलते हुए हम कई दिनों से कयास लगा थे कि शिवपाल यादव कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। या अभी हमने देखा था कि कल ही उन्होंने पहले तो समान नागरिकता की बात उठाई थी, जिसके लिए सिविल कोर्ट की बात उठाई थी कि समान नागरिकता कानून पास होना चाहिए। और आज जब वो लखनऊ से इटावा के लिए निकलते हैं, उसी बीच में उनकी खबर आती है कि शिवपाल यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के, उन्होंने अपनी सभी इकाइयाँ भंग कर दी हैं। तत्काल प्रभाव से ये चीज़ लागू कर दिया। उसको लागू करते ही वो लखनऊ से इटावा के लिए प्रस्थान भी कर गए। हालांकि किसी मीडिया से उन्हें रूबरू नहीं हुआ, उनका एक प्रेस नोट आया है जिसमें उनके तो भाग है कि जो समाजवादी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, उन्होंने अपनी सभी इकाइयां तत्काल रूप से भंग कर दी। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ संदेश है कि जो चीज़ लगातार न्यूज मीडिया चला रहा था कि शिवपाल यादव कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, आज वो देखने को मिला है। नई चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत दिनों से कह सकते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ कर सकते हैं, रुख कर सकते हैं, अपनी पार्टी को उसमें विलय कर सकते हैं, या जिस तरीके से बातें सामने आई थी कि आजम खान से उनकी नजदीकियों का भी जिक्र शुरू हुआ था, क्योंकि समाजवादी पार्टी में आप देखेंगे तो भीतर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस समय जो उसकी परसेप्शन से बना हुआ है उसमें देखकर चला कि अंदर खून खाने में समाजवादी पार्टी में दो गुट एकदम से अलग हो चुके हैं। पहले शिवपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो अलग हो चुके हैं, अब आजम खान जो वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार भारत समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ के रूप में थे, वहां भी उनके समर्थक उनके वक्ता वहां से बोले लगे। मतलब शिवपाल के पास में दो विकल्प हैं, एक ये समाजवादी पार्टी के मुखिया जब इतना उनको वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो उनके पास में एक वैल्यू ये है कि उनका ही मुस्लिम वोट बैंक अपने साथ में लाया जाए, और उसके लिए आजम खान सरीखे नेता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आजम खान ने खुद खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके मीडिया प्रभारी ने आकर बहुत कुछ बोल डाला है। और दूसरा विकल्प उनके पास में है बीजेपी का। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से आजम खान की तरफ से बयान जारी हुआ था, हालांकि उनके मीडिया प्रभारी ने किया था, इस पर आजम खान का कोई कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, पर ये कहीं ना कहीं नजर आप मीडिया प्रभारी जो होता है, अगर वो आपकी बातें कर रहे हैं तो जबान भले ही मीडिया प्रभारी के ऊपर जो बातें होती हैं जो उसमें चीज़ें निकल के आती हैं, तो समाजवादी पार्टी में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उसी का फायदा उठा। शिवपाल यादव इस समय इटावा के लिए निकल चुके हैं, अपने गृह जनपद के लिए निकल चुके हैं। हो सकता है कि लोग हैं क्योंकि गढ़ मनाया और जो भी डिसीजन लेते हैं, जब हमने जब उन्होंने बनाई थी तब भी उसका डिसीजन जो इटावा से लिया था, तो वहां चीजें चले मेरे पास वापस लौट रहे हैं आपके पास, बाकी और अपडेट्स के लिए हम वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी के एजेंडा के सपोर्ट में शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की पैरवी की है। लोहिया का जिक्र कर कॉमन सिविल कोड लागू करने की पैरवी की है। समान नागरिक संहिता लागू करने का सही वक्त आ चुका है। समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद करेंगे। लोहिया जी ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था, संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी। ये शिवपाल यादव का बड़ा बयान ऐसे मौके पर आया हुआ है जब लगातार उनकी तलखियां भतीजे के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि वो अपना नेता मान चुके हैं अखिलेश को, लेकिन आज जो उनके अल्फाज हैं यानी जो उनके शब्द हैं, वो शब्द बीजेपी की जो इस वक्त नीति है, विचारधारा है, उससे प्रेरित नजर आते हैं। मनीष, मनीष
एक आइडियल जी, आपको आवाज मिल रही है पूजा मेरी? हाँ, मनीषा मिल रही है। आपको आवाज मिली पूजा मेरी? हाँ हाँ मिल रही है मनीषा। देखिए पूजा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख था, अब उनकी आइडियोलॉजी पे भी समाज वो शिपाल यादव कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे भी अपनी मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रसपा से। दीपक जी, तलखियां तो चलिए समझ में आती हैं, लेकिन आजकल जितने भी बयान देख रहे हैं वो बयान ज्यादातर बीजेपी की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस क्यों नजर आने लग गए हैं? देखिए एक मिनट, मैं उस कार्यक्रम में था। इनफैक्ट वह कार्यक्रम मेरे द्वारा ही आयोजित था और उस कार्यक्रम में शिवपाल सिंह जी ने एक ऐतिहासिक तत्थ्य को दोहराया कि संविधान सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में बोला था और डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने 1967 में इस मुद्दे को उठाया था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी ने 1967 में बनी थी और ना ही 1948 में, जब समान नागरिक संहिता की बात की गई थी संविधान सभा में। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से बीजेपी इसको लगातार प्रमोट कर रही है, उसको लोगों के समक्ष रख रही है और मजबूती से इस पर काम कर रही है, उस दौर में शिवपाल यादव की जुबान से इस बात को क्यों ना ऐसा समझा जाए कि ये इन्फ्लुएंस है बीजेपी से? नहीं 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 नहीं, शिवपाल सिंह जी के ऊपर डॉक्टर राममनोहर लोहिया का इन्फ्लुएंस है, शिवपाल जी के ऊपर इस देश के सेकुलर और सोशलिस्ट मूवमेंट का इन्फ्लुएंस है। इसको आप भाजपा सपा कांग्रेस प्रसपा के दायरे में मत देखिए ना, ये तो एक बड़ा विमर्श है। शिवपाल सिंह जी ये चाहते हैं और शिवपाल जी के भारत का हर नागरिक चाहता है कि एक समावेशी समदर्शी व्यवस्था लागू हो। आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। आलोक जी, आजकल तो चाचा शिवपाल की जुबा भी आपसे बहुत मेल खाने लगी है। देखिए खाली शिवपाल जी की नहीं, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की राजनीति में प्रधानमंत्री हमारे सुशोभित हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी जी चल रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की विचारधाराओं में परिवर्तन आ चुका है और बहुत सारे नेता हमारी विचारधारा से सहमत भी होते जा रहे हैं। शिवपाल यादव जी भी अगर आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो उनके उनके बयान का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि कम से कम जो है जिस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगा था राम भक्तों पे के खून बहाने का और कई तरह के अपराधियों का संलिप्त रहने का, आज अगर वो देश के मुख्य धारा में आकर के इस तरह की बात करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है और इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। ये इस विषय पे तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती रही है कि चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इससे चर्चा और विमर्श का जो है एक द्वार खुलेगा और आगे जो है इसके जो भी निर्णय होंगे सामने आएंगे। तो दीपक जी, ये आरोप धोने के दिन आ गए हैं क्या अब शिवपाल यादव के? आरोप उनके ऊपर लगते रहे राम भक्तों पर गोलियां चलाने के, अब इस तरीके की बातें करके दामन साफ हो जाएगा दीपक जी? दीपक जी हमारे साथ है नहीं, लेकिन आलोक जी कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले दामन साफ किया जाएगा और फिर उसके बाद बीजेपी का हाथ थामा जाएगा, ये कहीं उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो नहीं है? चलिए शायद आलोक भी हमारे साथ में नहीं है, मनीष लगातार बने मेरे साथ में। मनीष, दोनों ही प्रवक्ताओं की बात आप सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल ये जो बयानबाजी शुरू हो चुकी है ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, यानी अब तक जो सपा के दामन पर दाग लगे हैं राम भक्तों पर गोली चलाने के, दामन पर दाग धोने के लिए शिवपाल यादव ने तो अपनी राह चुन ली है, पहले शायद अपने दामन को साफ किया जाएगा और फिर बीजेपी को भी उनको अपने साथ लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से जिस तरीके का पूरा कार्यक्रम बता रहे थे दीपक जी की भी ये बात उन्हें सुनी जो प्रसपा के पूर्व प्रवक्ता थे, क्योंकि अब तो कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, प्रवक्ताओं की लिस्ट भी भंग कर दी गई है पूरी, तो पूर्व प्रवक्ता थे और नेता हैं प्रसपा के, उन्होंने जो बताया कि आइडियोलॉजी लोहिया जी की थी, पर लोहिया जी को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अब की बात करेंगे तो पूजा कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से बहुत अलग थलग पड़ती नजर आती है समाजवादी पार्टी पर। जब हम बात करें प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव की, तो आप उनकी बात करेंगे
तो उनका आप जब देखेंगे जो परसेप्शन बनाने की बात होती है, जो एक मूड बनाने की बात होती है, जब आप कोई चीज की तैयारी करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव इसमें एक प्रिपरेशन की तरफ लग रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी है पहले उस आइडियोलॉजी को आप समझे, उस आइडियोलॉजी में उतरे और उस जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर आप जब दिखाते हैं कि भाई हम तो पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी विचारधारा है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं, अब कोई ऐसी चीजें नहीं रह रही हैं कि हमारे पास उनकी आइडियोलॉजी से हम अलग हैं, हमारी आपकी विचारधारा एक मिल रही है, हमारी आपकी विचारधारा अगर समान है तो हमारे पास आने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ना भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने में होगी, ना शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में जाने में होगी। पर इसी चीज की जो आइडियोलॉजी की बात जिस तरीके से कर रहे थे, चाहे हमने आलोक अवस्थी जी को सुना और दीपक जी को भी सुना कि वो भी ये कह रहे थे कि ये समान विचारधारा है, समान आम जनता की बात करने लगे हैं, आप देखिए प्रगतिशील पार्टी की जो बात है वो आम जनता की पार्टी की बात करने लगे हैं, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा आप देखेंगे और पिछले कुछ दिनों से विधायक दल की बैठक होती है समाजवादी पार्टी की, तो उनको अलग कर दिया था कि आप समाजवादी पार्टी के टिकट पे तो लड़ रहे, पर आप समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, फिर विभिन्न दलों की बड़ी बात है कि वो जनता की बात करने लगे और जिनको उन्होंने अपना नेता माना था, पर अब जब जिनको अपना नेता माना था, अखिलेश को कहा था कि हाँ मैं उनको अपना नेता मान चुका हूँ, आज उनकी जुबान से बिल्कुल वो हटकर बात करते हैं और वो जनता की बात करने लगे हैं। तो जनता की बात तो आजकल सिर्फ एक ही पार्टी करती है, प्रचार तो फिलहाल कुछ ऐसा ही किया जाता है, तो जो जनता की बात करेगा वो तो हम साथी साथी। निश्चित तौर से पूजा, देखिए सबका साथ सबका विकास, आम जन और अंत्योदय की बात कौन करता है ये सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के तीन मूल मंत्र हैं, तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी शिवपाल यादव जो है वो समाजवादी की आइडियोलॉजी से अब अपने आप को अलग करते हुए दिखा रहे हैं, लगातार उस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो उस आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं अलग करते जा रहे हैं। और बात रही लोहिया की, तो लोहिया को सभी पार्टियां हैं, सभी जो है वो अपने आप से कहते हैं, पर शिवपाल यादव का इस समय ऐसा बयान आना और आज उन्होंने जो जिस तरह से तत्काल प्रभाव से अपना सारा चाचा भतीजे की पूर्ण रूप से, अभी तक तो फिर भी चाचा एक बार देख लिया करते थे भतीजे की तरफ, लेकिन अब तो उन्होंने शायद बिल्कुल मन बना लिया है उनसे अलग होने का। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की, इस दौरान उन्होंने किन मुद्दों को लेकर बातचीत की है सुनिए। हम भी एक घंटे हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो झंडा लेकर मस्जिद पर चढ़ेगा इंडिया, किस तरीके से देखते हैं? इस पर हमें कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करनी है, जिसके मन में जो होता है वही बोलता रहता है, बात औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर कब तक न्याय करेगा, कोर्ट क्या करेगा आखिर, जब तक बुलडोजर ही न्याय करेगा तो कोर्ट आखिर किस लिए? ये माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है, कानून का राज स्थापित हो गया है। बुलडोजर का मतलब है, बुलडोजर दो तरीके का होता है, एक बुलडोजर विकास करता है और एक बुलडोजर विनाश करता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बुलडोजर विकास करता है और एक बुलडोजर विनाश करता है। विजिलेंस राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चंदौली के सीमावर्ती इलाकों और हाईवे पर 3 नई पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, इसका उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक राम कुमार ने किया। बता दें कि ये पुलिस चौकियां मुख्यालय स्थित नवीन कृषि मंडी, नगवा और चोचकपुर घाट और ककरैत घाट चौकी पर निर्माण का कराया गया है। इससे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधी जिले की सीमा को पार नहीं कर पाएंगे, उस उद्देश्य से इन चौकियों का वहाँ निर्माण किया गया है। कार्यक्रम जनपद चंदौली में 3 पुलिस चौकियां नई यहां पर स्थित हैं, जिनका न सिर्फ भवन बना है बल्कि यहां के स्टाफ के लिए बहुत अच्छा रखने का और एक अच्छे स्थान पर बनी हुई। सबसे पहली चौकी जो हाईवे चौकी है वो बनी है और दूसरा चौकी ककरैत घाट चौकी जो बिहार बॉर्डर कमलाशा रिवर पर बनी है, तीसरा नगवा घाट चौचकपुर पर बनी है और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जनपद की में आवागमन की सुरक्षा के लिए, और जो भी घेराबंदी हम लोग करते हैं या कहीं घटना हो जाती है तो उसकी चेकिंग के लिए ये चौकियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर अच्छे स्टाफ को छाट करके लगाया जाएगा और जितना भी मूवमेंट है उसको भी देखा जाएगा और बाद में और भी क्या वहाँ पर विकसित किया जा सकता है इसको भी।
इससे आम जन को कितना लाभ होगा सर? आम जन को इसमें बहुत लाभ होगा। देखिए बेसिकली जहाँ पर भी छोटी मोटी लूट होती है या वो एरिया ऐसा है इनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं रहती है, तो न सिर्फ चेकिंग वहाँ पर हो सकती है आने जाने वालों की, बल्कि वहाँ के लोकल जो व्यक्ति हैं वो वहाँ शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं अपनी, जिससे कि तुरंत कार्रवाई वहाँ पुलिस पहुँच करके कर सकती है। कार्यक्रम अमेठी की सीएमओ सीमा मेहरा की निजी अस्पतालों को चेतावनी, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें वरना खैर नहीं होगी। जहां भर्ती है मरीज वहां डॉक्टर ना मिले तो कोई होगी कार्रवाई। कथित स्टाफ के भरोसे ही ज्यादातर निजी अस्पताल चल रहे हैं। सीएमओ ने ऐसे अस्पतालों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश अब दिए हैं, यानी जो फर्जी तरीके से सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरीके के नर्सिंग होम चल रहे हैं वहां पर अब सीधे तौर पर कार्रवाई के आदेश दे चुकी है सीएमओ। नहीं, हमारे यहाँ पर अब जैसे जो रजिस्टर्ड हैं अस्पताल अपने, उनकी पूरी जांच की जाती है, समय समय पर जांच की टीम जाती है, यदि कुछ गलत पाया जाता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाती है। हाजी सलमान का हथियार के साथ कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खुद को यूपी सरकार में मंत्री बताते हैं हाजी सलमान। लोनी के रहने वाले हाजी सलमान, पुलिस हाजी सलमान के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करेगी क्या, ये देखिए बड़ा सवाल है। सरकार में खुद को मंत्री बताता है ये हाजी सलमान, लोनी के रहने वाला है ये हाजी सलमान जो खुद को मंत्री बताता है, और यहां पूरा आप देखिए जरा लाओ लश्कर पूरा तेवर इन हथियारों के साथ दिखाता है। इकोटेक 3 में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को कब्जे में लिया है। 14 नकली नोट की गड्डी, लैपटॉप और प्रिंटर भी इनके पास से बरामद हुआ है। नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, ग्रेटर नोएडा से खबर है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, इनके पास से नोट छापने वाली वो मशीन भी बरामद हुई है। 14 नकली नोट की गड्डी भी और लैपटॉप भी बरामद हुआ और प्रिंटर भी बरामद हुआ। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 का ये मामला है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर नकली नोट छापने की फैक्ट्री चल रही थी, इसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, इनके पास से 14 नकली नोटों की गड्डी बरामद हुई है, लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद हुआ है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नकली नोटों का एक कारोबार खूब फल फूल रहा था, लेकिन अब पुलिस की मुस्तैदी के बाद आखिरकार नकली नोट छापने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ और यहां से कुछ नकली नोट भी बरामद हुए हैं। निशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी निशांत पूरी जानकारी चाहेंगे। एक बड़ी अचीवमेंट है ये पुलिस के लिए, नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का ना सिर्फ भंडाफोड़ बल्कि 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। हाँ देखिए पूजा, ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी लगी है। सेंट्रल पुलिस को हाथ, ये जो सेंट्रल पुलिस का थाना इकोटेक 3 पड़ता है, ये पुलिस ने भंडाफोड़ किया है जिसमें 14 नकली नोटों की गड्डी, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लगातार जो है नकली नोट छापा करते थे और मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाकर सप्लाई किया करते थे, वहीं लोगों को ठगा करते थे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी कामयाबी लगी है जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जो उपकरण है वो भी बरामद किए हैं, नकली नोट भी बरामद किए हैं, और कहीं ना कहीं ये इकोटेक 3 पुलिस जो सेंट्रल पुलिस है उसके हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया निशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हाथरस में 10 बीघा गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण ये चिंगारी उठी जिसके कारण ये आग में तब्दील हो गई। किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुहेरी गांव का ये पूरा मामला है। लगातार ट्रांसफार्मर से हो रहे शॉर्ट सर्किट के चलते कई जगहों पर हमने देखा है कि किसानों की जो पूरी मेहनत की फसल थी वो जलकर राख हो रही है। यहाँ पर भी किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन देखिए इस तरीके के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसकी वजह से जो किसानों की फसल है वो जलकर राख हो रही है। देखिए मेहनत से पूरा फसल को उगाता है किसानों के लिए, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही उनकी फसल होती है, पककर तैयार होती है तो उम्मीद होती है कि अब पैसे घर में आएंगे, लेकिन उससे पहले ही ये फसल आग के हवाले हो रही है। खबर मेरठ से है जहां पर साउथ इंडियन बैंक के एटीएम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे स्थानीय लोग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम का भी इंतजार किया जा रहा है। टीपी नगर क्षेत्र के श्रीराम कॉलोनी का यह पूरा मामला है।
एटीएम में आग लगी, तस्वीर आपके सामने है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम का यहाँ पर इंतजार हुआ, उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। आगरा में रात के अंधेरे में ही सड़कों पर महापौर निकल गए, ट्री गार्ड उखाड़ने वालों को रंगे हाथ पकड़ा। युवक को खुद आगरा महापौर नवीन जैन ने पकड़ लिया। ट्री गार्ड को उखाड़ कर ले जा रहा था व्यक्ति, युवक के गिड़गिड़ाने पर हिदायत देकर उसको छोड़ दिया। हरी पर्वत के सेंट पीटर का मामला, देखिए होता क्या है, आमतौर पर रात के अंधेरे में जो ट्री गार्ड्स होते हैं चोर इनको खाड़ उखाड़ कर ले जाते हैं। ऐसे में महापौर खुद निकले बाहर और ऐसे ही एक चोर को धर दबोचा। देखिए ये होते हैं ट्री गार्ड। कृष्णा त्यागी हमारे साथ में इस वक्त हैं, हमारे संवाददाता आगरा से। कृष्णा, महापौर भी एक्टिव हो गए हैं और अब खुद चोरों को पकड़ रहे हैं रात में। बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला हरी पर्वत सेंट पीटर के सामने का है, जहां पर रात के अंधेरे में जो जहां पर सड़क पर जो महापौर गुजर रहे थे वहां पर ट्री गार्ड जो उखाड़ने वाला एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। उसके बाद उन्होंने खुद गाड़ी रोकी और उसे जमकर लताड़ लगाई और उसे पुलिस के हवाले करने की भी उन्होंने बात रखी, लेकिन काफी देर वो गिड़गिड़ाता रहा और माफी मांगने के बाद उसे हिदायत दी, उसका फोटो बनाया, फोटो खींचा, उसका वीडियो बनाकर उसे हिदायत। कृष्णा आपके पास वापस लौट रहे हैं, खुद महापौर नवीन जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और नवीन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरीके का अच्छा काम करने के लिए। जी, लेकिन क्या आपने ये जो फैसला लिया ये यूं ही आप निकल पड़े थे या फिर आपको इस तरीके की शिकायत मिल रही थी और आपने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर जायजा लूं? किसके आप पूछना चाह रहे हैं? जो ट्री गार्ड जिस चोर को आपने पकड़ा रात में आप निकल गए खुद मुआयना करने के लिए, उस विषय पर? मेरा रात को प्रतिदिन का रहता है, मैं 11-12 बजे के बीच में रहता हूँ सड़क क्षेत्र में, 11-12 बजे बच जाते हैं। अच्छा। तो 11 बजे के लगभग में जब निकलना था सेंट पीटर्स के सामने रात को, हाँ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था तो उसको उखाड़ने में लगा हुआ था टी गार्ड को, हाँ। और टी गार्ड को उखाड़ रहा था तो मेरी नहर पड़ी तो मैंने गाड़ी को बैक कराया, हाँ। बैक करा के फिर वो भाने करने लगे, मैं तो पानी देना हूँ, पानी कहाँ से दूंगे, पौधे ही तुमने उखाड़ के फेंक दिया है, और फिर बहाने करने लगे, फिर उनको मैंने रोका और रोक के समझाने का काम भी किया और टी गार्ड को जो ले जा रहे थे उसे रोकने का काम भी हुआ। फिर यानी कि अगर आप लोग इस तरीके से एक्टिव रहते तो जाहिर सी बात है ऐसे जो नुकसान पहुंचाते हैं सरकारी संपत्तियों को ऐसे लोग भी अलर्ट मोड पर आ जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको और इसी तरीके से आगे आप लोग जनता के हित में काम करते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए हमारे साथ में। कृष्णा त्यागी मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी। कृष्णा, महापौर साहब कह रहे हैं कि रूटीन में वो बाहर निकले थे और इसी तरीके से वो देर रात तक लोगों के बीच में रहते हैं। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से महापौर जी ने बताया कि जिस तरह से जो सेंट पीटर के सामने एक टी गार्ड उखाड़ रहा था और उनकी गाड़ी जैसे निकल रही थी उन्हें नजर आया, उस जैसे ही गाड़ी रोक के उस व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, उसे हिदायत दी, उसी का फोटो बनाकर उसे हिदायत दी कि आगे इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर से आगरा महापौर का एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है और इस तरह से जनप्रतिनिधि इस तरह से कार्य जो दिखेंगे जो सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ा संदेश जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका भी फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।